एक तरफ खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर लगाया है, जिसके बाद भारत ने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए ट्रूडो को कनाडा में एक्टिव खालिस्तानी आतंकियों पर नकेल कसने को कहा था। इस बीच कनाडा में एक और गैंगस्टर की हत्या हो गई है। खालिस्तानी आतंकवादी सुखदूल सिंह सुखा को कनाडा में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। सुखा गैंगवार का शिकार हुआ है, जेल में बंद। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सुखा की हत्या की जिम्मेदारी ली है। बता दें, एनआईए ने एक दिन पहले ही ऐसे 43 गैंगस्टरों की लिस्ट जारी की थी जो खालिस्तान और कनाडा से जुड़े हुए थे। इस लिस्ट में सुखदूल सिंह सुखा का नाम भी शामिल था। बता दें कि पंजाब के मोगा का रहने वाला सुखा ए कैटेगरी का गैंगस्टर था। 2017 में वो फर्जी पासपोर्ट के जरिए कनाडा भाग गया था। एक फेसबुक पोस्ट में बिश्नोई गैंग ने दावा किया है कि सुखा ने गैंगस्टर गुरलाल बराड और विक्की मिद्दूखेड़ा की हत्या में बड़ी भूमिका निभाई थी। इस पोस्ट में सुखा को ड्रग एडिक्ट बताते हुए लिखा गया है कि उसे अपने पापों की सजा मिली है। गैंग ने साथ ही चेतावनी दी है कि उनके दुश्मन चाहे वो भारत में हो या बाहर जिंदा नहीं रह पाएंगे। भारत में मोस्ट वांटेड गैंगस्टरों का सुरक्षित ठिकाना कनाडा बनता जा रहा है। मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने वाला गोल्डी बराड कनाडा में छिपा हुआ है। गोल्डी के अलावा गुरुपदवंत सिंह पन्नू, लखबीर सिंह उर्फ लांडा, अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला, रमनदीप सिंह उर्फ रमन जज, गुरुपिंदर सिंह उर्फ बाबा डाला, सतवीर सिंह वारिंग उर्फ सैम जैसे कई गैंगस्टर कनाडा में शरण लिए हुए हैं। मारा गया सुखा कनाडा में बैठे अर्शदीप, जो कि गोल्डी और लॉरेंस का जानी दुश्मन था, उसका बेहद करीबी था। हाल ही में एनआईए ने सुखा के खिलाफ भी इनाम घोषित किया था। साथ ही 43 गैंगस्टर्स के साथ ही इसकी फोटो भी कल जारी की गई थी, जिसमें इसकी बेनामी संपत्ति की जानकारी देने की अपील की गई थी। गैंगस्टर सुखदूल सिंह सुखू दुनके खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श का राइट हैंड था। वो कनाडा में रहकर भारत में अपने गुर्गों के जरिए वारदात को अंजाम देता था। जानकारी के मुताबिक कनाडा के विनीपैग शहर में उस वक्त सुबह के 9:30 बजे थे, जब हेजल्टन रोड पर फ्लैट नंबर 203 से ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज आती है। सुखा के सर में 9 गोलियां दागी जाती है। वारदात को अंजाम देकर हमलावर फरार हो गए। भारत ने 7 ऐसे गैंगस्टर्स के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है जो कनाडा में छुपे बैठे हैं। भारत सरकार ने सबूतों के साथ डोजियर भी कनाडा को कई बार सौंपा है, लेकिन कनाडा सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कनाडा क्यों खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर्स का नया पैराडाइज बनता जा रहा है। कनाडा की सरकार आखिर इस पर कोई कदम क्यों नहीं उठा पा रही है, तो इसकी सियासी वजह है। जस्टिन ट्रूडो की सरकार अल्पमत की सरकार है जो एनडीपी पार्टी के सहयोग से चल रही है। एनडीपी के मुखिया जगमीत सिंह खुलकर खालिस्तान का समर्थन करते आए हैं। ऐसे में ट्रूडो सरकार कनाडा में रहने वाले सिख वोट बैंक को लुभाने के लिए खालिस्तानियों को शह देती आई है। इस गलतफहमी में कि कनाडा में रहने वाले तमाम सिख खालिस्तानी आतंकियों के साथ हैं, जबकि कैनेडियन सिखों के एक छोटे से वर्ग में खालिस्तान का प्रभाव है, लेकिन भारत के दुश्मनों को पनाह देने के मामले में पाकिस्तान से ऊपर अब कनाडा का नाम आने लगा है। कनाडा से भारत में अपराधियों के प्रत्यारोपण के रिकॉर्ड भी बेहद खराब है। ऐसे में कनाडा अंडरवर्ल्ड गैंगवार और खालिस्तानी आतंक का गढ़ बनता जा रहा है। ये वो बारूद की खेती है जो एक दिन कनाडा को तबाह कर सकती है। यही वजह है कि ट्रूडो का उनके अपने ही देश में विरोध भी हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।